बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट सेमेस्टर लेक्चर नंबर 9, नाइजीरियन इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 5, टॉपिक आईएसओ कॉस्ट। आईएसओ कॉस्ट लाइक द बजट। Producer side, consumer side. It explain the consumer budget. Explain the consumer side. ISO cost explain the producer side. Same, both are same, but differentiate between here commodity, purchasing of commodity, here cost of inputs. Income of consumer, same income or fixed amount of income, same amount constant amount, fixed amount of money with producer for purchasing or spend the expenditure on inputs. ये क्या, ये आईसो क्वांट है, आईसो कॉस्ट किस चीज़ का? ये वेजेस फॉर लेबर एंड रेंटल कॉस्ट फॉर कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट। ये क्या, ये आईसो कॉस्ट है। और बजट लाइन क्या हमारे पास? प्राइस ऑफ commodity Y plus price of commodity X is equal to income। ये हमारे पास इस तरह, इधर income की discussion, इधर consumer purchasing, इधर वही producer जो purchase करता है या cost expenditure लगाता है किस चीज़ पे? labor के wages पे और rental cost of capital। तो ये क्या, ये isoquant है। अब ये isoquant क्या, ये जो शो कर रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये एग्जैक्ट जितनी भी कॉस्ट है, इसके पास जितनी भी इनकम है, किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। वो स्पेंड करेगा इन दो चीज़ों में, लेबर एंड कैप। अब ये तो इक्वेशन है। आईएसओ कॉस्ट लाइन क्या है? आईएसओ कॉस्ट लाइन शो करता है, दिस इज आईएसओ कॉस्ट लाइन। कैपिटल, लेबर, और ये जो लाइन है, ये कॉस्ट वाला आईएसओ कॉस्ट कर्व, ये लाइन हमें शो करता है। क्या लाइन क्या शो करता है? कि जितनी भी अमाउंट ऑफ मनी है वो कॉस्ट करता है, वो कॉस्ट फॉर्म में स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर करता है किस चीज़ पे? कैपिटल और लेबर की डिफरेंट कम्बिनेशन के थ्रू। तो इस बेस पे ये क्या करता है? हाँ, 100% अगर वो सारी कॉस्ट किस चीज़ पे? कैपिटल पे स्पेंड करता है। तो ये पॉइंट आएगा इस, इधर क्या, लेबर ज़ीरो, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो आउटपुट किस चीज़ पे प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे लगा रहा है, स्पेंड किस चीज़ पे कर रहा है, वो कैपिटल पे। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं पॉइंट, तो ये क्या, वो जितने भी इनकम है, जितने भी कॉस्ट है, वो किस चीज़ में? वेजेस ऑफ किस चीज़ के? लेबर के ही पोर्शन पे जाते हैं। इसमें क्या, फिर कैपिटल हमारे पास ज़ीरो होता है। और ये जो बाकी कम्बिनेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये वो कम्बिनेशन है कि इसमें कुछ स्पेंड कर रहा है कैपिटल पे, कुछ स्पेंड कर रहा है ऑन लेबर। हाँ, इसके बाद स्लोप ऑफ दिस, इसका स्लोप क्या होगा? ये हमारे पास आएगा, स्लोप हमारे पास आएगा माइनस डब्ल्यू बाय, और ये क्या हमारे पास, स्लोप ऑफ आईएसओ कॉस्ट। ये स्लोप आएगा हमारे पास आईएसओ कॉस्ट का। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, किसको, इस स्लोप को, बाय
अबव फार्मूले से, इस इक्वेशन से डब्ल्यू एल प्लस रेंटल कैपिटल इंटू सी। अब क्या मैं रेंटल को डिवाइड करता हूँ, क्या इधर आर इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन है? अगर मैं ये करता हूँ कि बोथ साइड पे मैं आर डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बोथ हैंड साइड बाय आर, ये डब्ल्यू इंटू आर एल प्लस आर डिवाइड बाय आर कट जाएगा, ओनली के रह जाएगा, के इज इक्वल टू सी बाय आर। अब इसको अगर उस साइड पे लेके जाता हूँ, देन के इज इक्वल टू सी माइनस सी डिवाइड बाय आर माइनस डब्ल्यू इंटू आर इंटू एल। ये कि हमारे पास स्लोप आ सकता है, इसको हम स्लोप कह सकते हैं, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा। इसी तरह अब अगर ये इस जगह तक, इसके बाद मैं दोनों को थोड़ा डिस्कस करता हूँ, बजट लाइन, बजट और आइसोकॉन्ट। क्या आइसोकॉस्ट बजट, अगर याद हो बजट शिफ्टिंग इन द बजट कर्व, शिफ्ट अबव शिफ्ट होता है या बिलो ओरिजिन के, तो ये किसकी वजह से, ये इनकम की शिफ्टिंग, इनकम की इंक्रीज की वजह से क्या होता था, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अगर कंज्यूमर्स के पास इनकम ज़्यादा हो जाए तो उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा कमोडिटी कम्बिनेशन ख़रीद सकता है। अब वही चीज़ इस साइड पे किस चीज़ के आइसो कॉस्ट के, अगर इनकम अमाउंट ऑफ मनी विद प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के साथ मनी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इनिशियल आइसो कॉस्ट क्या है, इनिशियल वन क्या है, वन ये है। अब इंक्रीज आया इन क्या, अमाउंट ऑफ मनी विद प्रोड्यूसर, मनी जो एम है, एम में इंक्रीज आया किसके साथ, प्रोड्यूसर के साथ। प्रोड्यूसर के साथ अगर एम में इंक्रीज आया, जो डिफरेंट कम्बिनेशन पहले करता था किस चीज़ के, कैपिटल और लेबर का, अब उसके पास इनकम जब बढ़ जाएगी, मनी बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल वो इतनी बड़ी, तो ये क्या, वो कम्बिनेशन भी चेंज हो जाएगी किस चीज़ की, लेबर की, लेबर और कैपिटल की, सॉरी दोनों की कम्बिनेशन इंक्रीज हो जाएगी, या एक की इंक्रीज या दोनों की इंक्रीज। तो क्या ये अपवर्ड शिफ्टिंग जो है, अपवर्ड शिफ्टिंग थ्रू मनी होती है। अब शिफ्टिंग क्या, मनी इंक्रीज आया तो कर्व अपवर्ड मूव हुआ, उसके साथ इनपुट की कम्बिनेशन भी डिफरेंट हो गई, वो कॉस्ट जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा कर जाएगा, किसके लिए, दोनों के लिए या एक के लिए। इसी तरह अगर इनकम मनी ऑफ प्रोड्यूसर डिक्रीज हुआ, तो स्पेंडिंग ऑन इनपुट्स क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनवर्ड टू ओरिजिन ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मूव करेगा, शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट। बट इसके बाद जो कि वो आइसो कॉस्ट इफ़ेक्ट किस तरह होता है, अगर मनी इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए, देन आइसो कॉस्ट में क्या आती है, शिफ्टिंग द कर्व आइसो कॉस्ट कर्व अपवर्ड और डाउन वर्ड वर्ड टू फ्रॉम ओरिजिन। अपवर्ड मूव करता है या डाउनवर्ड मूव करता है फ्रॉम ओरिजिन से वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है, किसकी वजह से, जब इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, शिफ्टिंग आता है आइसो कॉस्ट कर्व में।
लेकिन सेकंड क्या हुआ है कि आइसो कॉस्ट और किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है किस चीज़ के, इंक्रीज आर डिक्रीज इन वेजेस ऑफ लेबर आर रेंटल ऑफ किस चीज़ के, कैपिटल के। तो इसकी वजह से अब जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस जो आती हैं, चेंजेस वो चेंजेस क्या हैं, वो किस चीज़ में लेके आते हैं, वो कर्व को शिफ्ट नहीं करती बल्कि वो मोमेंट लेके आती है, मोमेंट मोमेंट अलॉन्ग द कर्व, वो कर्व में ही मूवमेंट लेके आती है। किसकी वजह से, या वेजेस के इंक्रीज की वजह से, या डिक्रीज की वजह से, या रेंटल के इंक्रीज की वजह से, या डिक्रीज की वजह से। अब उसका ग्राफ फिर किस तरह आएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज इनिशियल पॉइंट या इनिशियल आइसो कॉस्ट है वन। अब अगर इंक्रीज आया किस चीज़, लेबर कैपिटल, लेबर की वेजेस में इंक्रीज आया, इंक्रीज आया तो ये क्या, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। इसी से आप क्या करते हैं, इनवर्ट की तरफ आ रहे हैं किसके, ओरिजिन की, लेकिन मूवमेंट किस में आया, सिर्फ लेबर की वेजेस में इंक्रीज की वजह से। क्या वेजेस की इंक्रीज की वजह से चेंज आया, चेंज किया आया कि कर्व मूवमेंट कर गया किस की तरफ, ओरिजिन की तरफ, लेकिन कैपिटल इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ वजह क्यों, कि ये इंक्रीज इन वेजेस आया, इंक्रीज इन वेजेस। अब अगर डिक्रीज इन वेजेस आता तो ये क्या होता, ये कर्व मूवमेंट करता ओरिजिन से किस वर्ड, अपवर्ड की तरफ, लेकिन सिर्फ मूवमेंट, ये शिफ्ट नहीं होता, मूवमेंट करता आउटसाइड के। तो ये हमारे पास क्या आ जाता, CW2। अब इसका क्या मतलब है, CW2 के वेजेस डिक्रीज हुई, वेजेस डिक्रीज की वजह से कर्व क्या हुआ, मूवमेंट कर गया बाहर की तरफ। और इसी के लिए प्रिंसिपल है कि अगर कास्ट चेंज हो जाती है, इनपुट की कास्ट चेंज हो जाती है, अगर कास्ट चेंज होती है तो इसकी वजह से क्या, चेंज कास्ट चेंज होने की, प्राइसेस चेंज होने की, किस चीज़ के, इनपुट की अगर चेंज होती है प्राइसेस, या लाइक वेजेस और रेंटल अगर चेंज होती हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रीज आर डिक्रीज, देन स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ लाइन या आइसो कॉस्ट कर्व क्या होता है, वो भी चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप डिफरेंस है, इसका स्लोप डिफरेंस है, देन ये क्या, ये स्टीपर है, इससे ये फ्लैटर है, इससे ये ज़्यादा फ्लैटर है, देन इट्स मीन के तीनों स्लोप डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, इनकी चेंजेस पे। अगर ये चेंज होते हैं देन स्लोप भी लाजमी है चेंज होता है, ये प्रिंसिपल है।